निर्देश आए हैं, जिसके बारे में कुल्लू उपायुक्त ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि जिन लाभार्थियों ने ईकेवाईसी पोर्टल पर इंश्योर नहीं किया है वह 31 मार्च तक इंश्योर कर ले। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया को स्वयं करने में असमर्थ है वह लोकमित्र केंद्र जाकर भी इसे पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं उपायुक्त आशुतोष गर्ग। इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है जो भारत सरकार की ओर से आई है, जिसमें 31 मार्च तक सभी बेनिफिशरीज को अपना ईकेवाईसी पोर्टल पे इंश्योर करना है। और ईकेवाईसी का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी उनकी डिटेल्स पोर्टल पे डाली गई हैं, उनका आधार पोर्टल पे डाला गया है, तो आधार से अगर किसी का मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो वो अपने आप जाकर पोर्टल पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करके ओटीपी जो आएगा उस ओटीपी को दर्ज करके अपने आप को सत्यापित कर सकते हैं। अगर कोई खुद जो है ये चीज़ नहीं कर सकता या मोबाइल नंबर जिनका लिंक नहीं है अपने आधार से, तो वो किसी लोकमित्र केंद्र पे जाके भी इसके बारे में अपने आप को केवाईसी सत्यापित वहाँ पे करा सकते हैं। और इसके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेटरी वीडियो है जो हमने अपने फेसबुक पेज पे भी डाला हुआ है, हम लोग उसको अपनी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी डाल देंगे ताकि उसको देख के भी लोग अपने आप इसको समझ के ये केवाईसी सत्यापन जल्दी कर सकते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि इसकी डेडलाइन भी रखी गई है और इसके बाद से जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स इन फ्यूचर आएंगी तो ये एक प्रीरिक्विजिट रहेगा कि जिनका सत्यापन हुआ है उन्हीं को फिर ये इंस्टॉलमेंट्स भारत सरकार से आएंगी।